एवरीवन, आज है 18 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में। एपेक मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो अभी हाल ही में सितंबर के महीने में भारत होस्ट करेगा, जिसका दूसरा एडिशन होगा। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को, और भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों की हेल्प के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है, जिसकी पहली किस्त 2.5 मिलियन डॉलर की ये जारी कर दी गई है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की महिला ध्वजवाहक जो ओपनिंग सेरेमनी में बनी है पीवी सिंधु, हालांकि इनके अलावा शरत कमल भी है। टीम इंडिया के हेड कोच बन गए हैं गौतम गंभीर। चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं पॉल कागामे। अभी हाल ही में जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर थॉमस मुलर ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लिया। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण दुबई में किया गया, और उत्तराखंड ने अपनी पहली बर्ड गैलरी की शुरुआत की है राजधानी देहरादून में। तो ये सभी क्वेश्चंस हमने कल पढ़ लिए थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है कि अभी हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है, यानी कि इसे फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया है और उपाध्यक्ष फिर से बन गए हैं सुमन के बेरी, हालांकि पहले भी थे और अभी भी ये फिर से इसके उपाध्यक्ष बने हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है, जिसमें कि 4 पूर्णकालिक सदस्यों और भाजपा सहयोगियों सहित 15 केंद्रीय मंत्रियों को या तो पदेन सदस्य या तो विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये तो अध्यक्ष हैं ही नीति आयोग के, क्योंकि जब से इसकी स्थापना हुई देश के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी हैं, और अर्थशास्त्री सुमन के बेरी उपाध्यक्ष थे ही, और अब ये उपाध्यक्ष बने भी रहेंगे। ठीक है, दिल्ली में मुख्यालय है, सीईओ जरूर याद रखें बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स किसने रिलीज किया है, नीति आयोग ने रिलीज किया है। इसमें टॉप पर 2 राज्यों को रखा गया है, एक तो उत्तराखंड है, दूसरा इसमें हो जाएगा केरला, और सबसे नीचे जिस राज्य को रखा गया है ये हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है, अभी यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आप कह सकते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो जो है ये राजीव कुमार तो है ही, दो अन्य के रूप में अभी जिन 2 व्यक्तियों की नियुक्ति कुछ समय पहले ही की गई है, इसमें से एक तो हो जाएंगे ज्ञानेश कुमार, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, दूसरा इसमें हो जाएगा सुखबीर सिंह संधू। शक्तिकांत दास जो है ये आरबीआई के गवर्नर है वर्तमान में, हालांकि इनका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। सवाल नंबर दूसरा है, यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया? तो देखिए, अभी तक तो रॉबर्टे मेटसोला थी ही, अब ये दोबारा से यूरोपीय यूनियन यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से चुनी गई हैं। अगले 2.5 सालों के लिए ये यूरोपीय संसद की अध्यक्ष रहेंगी। रॉबर्टे मेटसोला को नव निर्वाचित सांसदों द्वारा जो वोट डाले गए 623 मतपत्रों में से मेजोरिटी मिली है, 562 वोट्स इन्हें हासिल हुए हैं। ठीक है, यदि मैं बात करूं मार्क रूट की तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन के ये होंगे नेक्स्ट हेड, अगले अध्यक्ष, जो कि नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, और जो IMF है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसकी MD हो जाएंगी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। सवाल नंबर तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये रिसेंटली मनाया गया है जुलाई महीने की 17 तारीख को। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय संस्थापक संधि के दिवस को मान्यता देने के लिए ये दिवस हर साल 17 जुलाई को मनाया जाता है। इसके पहले ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ मलाला डे, जो कि जुलाई महीने की 12 तारीख को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी कि जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, और विश्व युवा कौशल दिवस यूथ स्किल डे जो है ये 15 जुलाई को मनाया गया है। सवाल नंबर चौथा है, किस राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसके तहत किसान पेड़ लगाकर कार्बन क्रेडिट कमा सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर जो टर्म लिखा हुआ है कार्बन क्रेडिट, इसका क्या मतलब हुआ? तो
इसका सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक एग्जाम में पूछा गया सवाल था कि कार्बन क्रेडिट की अवधारणा कहाँ से उत्पन्न हुई, मतलब कि इसका ओरिजिन पूछा जा रहा था। तो इसके बेसिक फैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि जो क्योटो प्रोटोकॉल आपने पढ़ा होगा यदि, हालांकि इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको। क्योटो प्रोटोकॉल ने कार्बन क्रेडिट की अवधारणा पेश की थी, जिसके अनुसार वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए एक देश को क्रेडिट मिलता है। कार्बन क्रेडिट एक तरह का सर्टिफिकेट है, एक तरह का प्रमाण पत्र है आप कह सकते हैं, जो कि इसके यूजर्स को यानी कि इसके धारक को ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने की अनुमति देता है। एक कार्बन क्रेडिट जो है, यानी कि एक कार्बन क्रेडिट जो है, ये 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। अब रही बात, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल टर्म लिखा हुआ है ना, ये हुआ था 1997 में। ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों का प्रबंधन करना और इन्हें कम करना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश, इसने भी हाल ही में राज्य के किसानों को वृक्षारोपण अभियान में भाग लेने के लिए और कार्बन क्रेडिट अर्जित करने के लिए इनकरेज करने के लिए उनकी आय बढ़ाने की एक पहल शुरू करी है, और 20 जुलाई 2024 को राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान यहाँ शुरू किया जाना है, जिसका लक्ष्य है 50 करोड़ पौधे लगाना। उत्तर प्रदेश वृक्षारोपण अभियान का उद्देश्य सबसे पहले बड़े पैमाने पर वनारोपण अभियान, यानी कि वही आप कह सकते हैं सीधे सीधे ग्रीनरी को प्रमोट करना, ताकि राज्य में वन क्षेत्र में वृद्धि हो। दूसरा, जो भारत का लक्ष्य है 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का, इसमें भी मदद मिले। वन रोपण अभियान में भाग लेने वाले किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट बेचना भी आय का एक अतिरिक्त स्रोत बन जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप रिलेट कर सकते हैं। ये वही रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना। राज्य की पशु है बारहसिंघा, राज्य की पक्षी हो जाएगा सारस। लोकसभा सीटें हैं 80, राज्यसभा सीटों की संख्या 31। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर के फैक्ट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि यहाँ का जो राज्य की पक्षी है सारस, इसकी आबादी बढ़ी है, बढ़ करके 19,918 हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए हैं मनोज कुमार सिंह। अभी हाल ही में टाटा पावर सोलर सिस्टम ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की। इस राज्य का पहला सोलर सिटी बनेगा अयोध्या में, पहला गौ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। पीएम मित्र पार्क की शुरुआत लखनऊ हरदोई में की गई। अभी 53वां टाइगर रिजर्व मैंने बताया ही है। तराई हाथी रिजर्व रिलेट करें यदि तो, और 24 जनवरी को इसने अपना स्थापना दिवस मनाया। गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की, और पहला बंदर वन बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अब यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो ये वही असम है जिसने कि भी हाल ही में वृक्षारोपण अभियान के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, करंट अफेयर में मैं बता चुकी हूँ कि एक दिन में 11 लाख पौधे लगा करके इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। सवाल नंबर 5वां है, हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है अजय कुमार सूद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं प्रोफेसर अजय कुमार सूद। इन्होंने नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत के लिए ई मोबिलिटी एंड रोड मैप रिपोर्ट लॉन्च की है। अब ये है क्या, इसे मैं आसान भाषा में यदि आपको बताऊं तो नेक्स्ट 5 से 7 साल में भारत की क्या अप्रोच होनी है ताकि वह नेट जीरो लक्ष्य को हासिल कर सके, इसके लिए एक तरह का रोड मैप है आप कह सकते हैं। इन शोध परियोजनाओं को 4 प्रमुख क्षेत्रों में कैटेगराइज किया गया है, एनर्जी स्टोरेज सेल्स, ईवी असेंबलीज, मटेरियल्स एंड रिसाइकलिंग। अब यदि मैं बात करूं अदर ऑप्शन की तो गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने अभी हाल ही में वर्चुअली मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया है, उद्घाटन किया है। यदि मैं बात करूं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तो तेजस विमान उड़ाने वाले ये भारत के पहले रक्षा मंत्री हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे ये आए दिन किसी न किसी चीज का उद्घाटन करते रहते हैं, जिसमें हमने करंट अफेयर में देखा है कि महाराष्ट्र की कैपिटल जो है मुंबई, यहाँ पर भारत के सबसे लंबे शहरी टनल का मतलब आधारशिला इन्होंने रख दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने BSNL का नया अध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया है? तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि ये बने हैं BSNL के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। BSNL जिसका फॉर्मेशन ईयर है
15 सितंबर सन 2000 दिल्ली में मुख्यालय हो जाएगा। एम खानविलकर ये हो जाएंगे भारत के नए लोकपाल, और लोकपाल का पद लिया गया है स्वीडन के संविधान से। ये वही स्वीडन है जो कि नाटो का 32वां मेंबर कंट्री बना है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अनिल लोहाटी है, जबकि भारत में 16वां जो वित्त आयोग है फाइनेंस कमीशन, इसके अध्यक्ष हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत की आर्थिक वृद्धि का जो पूर्वानुमान है ये बढ़ाया है, बढ़ा करके कितना किया है? देखिए, पहले तो IMF का कहना था कि भारत की अनुमानित जो ग्रोथ रेट रहेगी ये रहेगी 6.8%, लेकिन अब अभी जो रिपोर्ट है 2 दिन पहले की, इसके अनुसार इसने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान है जो कि बढ़ा दिया है। किसने? IMF ने। IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये देखिए एक्टिव 1945 से है, तो इसे करेक्ट कीजिएगा। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन में है, और इसके MD क्रिस्टीना जॉर्जीवा, डिप्टी MD हो जाएंगी गीता गोपीनाथ। इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है जिसका नाम हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। वैसे यदि मैं बात करूँ ना, तो जो वर्ल्ड बैंक है, बैंकों का बैंक वर्ल्ड बैंक, इसने भारत की GDP फोरकास्ट की वित्तीय वर्ष के लिए 6.6%, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने फोरकास्ट की 6.9%। सवाल नंबर 8वां है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में मॉरिशस में इस मैत्री उद्यान का उद्घाटन विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने किया है। ये भी हाल ही में 16 और 17 जुलाई को मॉरिशस के 2 दिन के दौरे पर थे। देखिए, अभी हाल ही में विदेश मंत्री के रूप में इनकी पुनः नियुक्ति की गई है, तो पुनः नियुक्ति के बाद मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर इनकी, आप कह सकते हैं, पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। फरवरी 2021 में वैसे यात्रा ऑलरेडी कर चुके हैं, तभी भी विदेश मंत्री थे, लेकिन नई जो कैबिनेट का गठन हुआ इसमें भी विदेश मंत्री बने, तो उस हिसाब से ये मॉरिशस का इनका दूसरा दौरा रहा है। मॉरिशस हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है, लोकेशन आप कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर है, और ये अफ्रीकी देश है। इस देश के लगभग 2/3 आबादी ये भारतीय मूल की है। अंग्रेज उन्हें गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मॉरिशस लाए थे, तो यहीं बस गए हैं आप कह सकते हैं। मॉरिशस की लगभग आधी आबादी हिंदू है। इसकी कैपिटल पोर्ट लुइस, करेंसी रुपया, प्रविंद जुगनॉथ, हालांकि ये भी भारतीय मूल के हैं, यहाँ के हो जाएंगे प्रधानमंत्री। अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये मॉरिशस के दौरे पर भी थी, जहाँ इन्हें यहाँ के हाईएस्ट सिविल ऑनर से डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया था। आप कह सकते हैं मॉरिशस द्वारा डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित की गई थी। अमेरिका में यदि आप रिलेट करेंगे ना, तो यूनाइटेड नेशंस का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण ये दिसंबर 2022 में किया गया था विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, और वियतनाम में भी महात्मा गांधी की प्रतिमा का उद्घाटन ये भी जयशंकर जी के ही द्वारा किया गया था। हालांकि यदि रिलेट करेंगे इस साल, तो विशाल जो हिंदू मंदिर है फरवरी 2024 में इसका उद्घाटन UAE में किया गया। 9वें नंबर का सवाल है, हाल ही में लाडला भाई योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? अभी तक मैं आपको जब भी पढ़ाती थी तो लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना पढ़ाती थी, जो कि मध्य प्रदेश से आपने रिलेट करी थी। स्टूडेंट्स से काफी दुख होते थे, स्पेशली जो बॉयज हैं उनके, कि मैम लड़कों के लिए कोई योजना नहीं है, ना लड़कों के लिए है, ना जीजाओं के लिए है, मतलब कि भाइयों के लिए भी नहीं है, जीजाओं के लिए भी नहीं है, क्या किया जाए? तो आपकी अर्जी स्वीकार हुई है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है ये लेकर के गई है लाडला भाई योजना। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 से पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत डिप्लोमा होल्डर्स को, यानी कि जो भी लड़के जो जिनके पास डिप्लोमा है, इन्हें 8,000 रुपए, ग्रेजुएट को 10,000 रुपए महीना प्रोवाइड कराया जाएगा। बात की जाए यदि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राज्यपाल रमेश बैस है, संजय नवे गांव, पेंच नेशनल पार्क, आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। महाराष्ट्र ने 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार जीता। सुजाता सोनिक यहाँ की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। महाराष्ट्र में भारत का पहला डीप ड्राफ्ट बंदरगाह बनाया जाएगा। जनवरी में 27वां युवा महोत्सव की मेजबानी महाराष्ट्र के नासिक ने की। महाराष्ट्र की पहली महिला DGP रश्मि शुक्ला को बनाया गया, और FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य ये भी हो जाएगा महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश में भी वृक्षारोपण के लिए मित्र योजना चर्चे में थी, और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना आप रिलेट कर सकते हैं। 10वें सवाल की तरफ चलते हैं, मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार किसने जीता है? ये रिसेंटली जीत लिया है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार की एक पहल थी
आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती, इसी ने मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन अवार्ड जीता है। इस अवार्ड की यदि मैं बात करूं तो स्थापना 2020 में यानी कि 4 साल पहले की गई थी पुर्तगाल के कैलोस्टे गुलपियंग फाउंडेशन के द्वारा। ये पुरस्कार उन व्यक्तियों को और संगठनों को दिया जाता है उनके अहम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जिन्होंने क्लाइमेट चेंज या आप कह सकते हैं जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए एक स्थायी समाधान प्रदान करने की आशा को प्रेरित किया हो या इस फील्ड में कुछ काम किया हो। यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है ना प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग आप कह सकते हैं, जिसमें रसायनों का प्रयोग कम से कम किया जाता है ना के बराबर। महाराष्ट्र को अभी कृषि के क्षेत्र में अवार्ड मिल चुका है, मैं बता चुकी हूँ। स्वच्छता में मध्य प्रदेश अवार्ड ऑलरेडी जीत चुका है और केरल को जैसे कि मैंने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो नीति आयोग ने रिलीज किया, केरल टॉप पर है, साथ में उत्तराखंड भी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू राज्यपाल अब्दुल नजीर हो जाएंगे। स्टैटिक में आज हम कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। बीबीसी के अध्यक्ष समीर शाह है, आईएमएफ के एमडी क्रिस्टीना जॉर्जीवा, डब्ल्यूटीओ की नकोजी अंकोजी, डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस अदानो, आईएलओ के गिलबर्ट होंगो, एसीसी के जयेश शाह, इंद्रमणि पांडे, बिम्सटेक के, यूरोपीय निवेश बैंक के नादिया कैल्विनो। कल मैंने पूछा था झारखंड के मुख्यमंत्री कौन बने, हेमंत सोरेन राइट आंसर था। आज का सवाल है नाटो के महासचिव कौन है, अभी वर्तमान में ना नेक्स्ट नहीं, जिन्हें अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।